तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे जेएस एनर्जी लिमिटेड के बारे में। और देख सकते हो, हमने चार्ट पैटर्न खोल रखा है जेएस एनर्जी लिमिटेड का। और ये स्टॉक बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न में मूव करता हुआ है। अगर ये ना इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, इस वाले ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करता है, 265 वाली रेंज को ब्रेकआउट करता है अगर, तो फिर आपको ये रेंज देखने के लिए मिल जाएगा, 325 का टारगेट दिखला सकता है। लेकिन अगर इसे ब्रेकआउट नहीं करता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक आ गिरेगा, कहाँ पे, इस लेवल पे आ जाएगा, 200 वाले रेंज में आ सकता है। तो अगर आप इसके अंदर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा लेना चाहिए। और अभी करंट प्राइस जो भी है 260 है, तो आपको इस पॉइंट पे 252 का आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर 256 का इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेटअप करना चाहिए, जिससे कि ये हो सके कि आपके प्रॉफिट जो है ना प्रोटेक्ट हो पाए। अगर ब्रेकआउट देता है तो ये तो बहुत बढ़िया है, अगर ब्रेकडाउन हो जाता है किसी वजह से नीचे, तो आपके प्रॉफिट सेफ रहेंगे, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो अभी ट्रेंगल पैटर्न के अंदर है ट्रेंगल, तो अभी ये ना ये ब्रेकआउट आज नहीं तो कल तो करेगा ही, और इस लेवल पे आएगा। बट क्या है, ज़्यादा हाई क्या होता है, कभी कभी इस लेवल को टच करके रिटेस्ट करने आता है दोबारा सपोर्ट को स्टॉक। और इस दौरान क्या होता है, जो ऊपर प्रॉफिट आपको मिल रही होती है वो प्रॉफिट आप फिर उसी सपोर्ट के पास आ जाते हो ना, आपके पास प्रॉफिट रहती है ना लॉस रहती है। अगर आप इस लेवल पे आई क्यों 335, डेफिनेटली आप तो लॉस में ही आ गए। इस लेवल पे आता है तो 213 के प्राइस में, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा लो, जो छोटा मोटा मूव मिलता है उसे हम कैप्चर कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए। एक बार हम अगर फंडामेंटल देख लें इस स्टॉक का, जेएस एनर्जी लिमिटेड का, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड का, तो स्टॉक पी है 21, ठीक है, और इंडस्ट्री पी है 19, ठीक है। अभी सस्ता भी नहीं, महंगा भी नहीं, ठीक है, मीडियम में मिल रहा है। 74% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और डेप्ट है 11,000 का, फ्री कैश फ्लो 658 करोड़ का है, प्लस परसेंटेज भी 13% है। तो एनर्जी सेक्टर से जो भी स्टॉक है ना, मैक्सिमम स्टॉक के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा कर्ज होती है कंपनी के ऊपर, डेप्ट होती है। और एक बार हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट चेकआउट कर लेते हैं, देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर वाले क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन आया है, मार्च में अच्छा था। और अगर मार्च हम लोग ट्रैक किया जाए मार्च वाला क्वार्टर, तो मार्च वाला ठीक था, फिर जून में अच्छा आया, 1132 करोड़ था मार्च में, जून में 1022, सितंबर में 890 और दिसंबर में 625। अगर इस बार अच्छा आता है क्वार्टर, ठीक है, तो वो उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, वो आपका टारगेट जो है उसे दिखला सकता है ये स्टॉक। ईयरली बेस पे अच्छा है, अच्छा प्रॉफिट है, पिछले साल के मुकाबले ठीक प्रॉफिट लाया। पहले 2022 में 3572 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था, BTDM में 3668 है। बट अभी जो मार्च वाला क्वार्टर ऐड होगा तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, तो ईयरली बेस पे परफॉर्मेंस ठीक ठाक कर रहा है कंपनी। नेट प्रॉफिट 2276 एडीडीएम में, 2022 में 1743 है। और कैश फ्लो है कंपनी के पास 2952 करोड़ का। और DII इसकी भी होल्डिंग है 10.6%, FIIs की होल्डिंग 5.18% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास मात्र 9% की होल्डिंग है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बोल सकते हैं इस स्टॉक को। बट क्या है, इनमें इस स्टॉक के अंदर क्या है कि प्लस परसेंटेज ज़्यादा हैं, तो आपको स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए आपने देख चुका है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगर नीचे आते दोबारा हमें स्विंग ट्रेड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा 210 के प्राइस में, और टारगेट हमारा वही रहेगा 262 पहला, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करना, ताकि हमारा प्रॉफिट जो प्रोटेक्ट होता रहे, मतलब बचता रहे, सेफ रहे, और 309 हमारा टारगेट हो सकता है आने वाले टाइम में।